फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आप सबको स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। तो जिसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया है कपड़ा, तो जो कपड़ा हमने ये 1 मीटर लिया है, 1 मीटर में ही हमारा स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। तो चलिए उस कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल है, एक नीचे का हो जाएगा पल्ला और एक ऊपर का हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इस टाइप से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ से मार्क लगाना है, तो हम एक मार्क लगाएंगे 20 इंच पे और एक लगाएंगे 14 इंच पे और एक लगाएंगे हम 7 इंच पे। तो ये हो जाएगी हमारी हिप की, ये होगी हमारी कमर की, ये होगी हमारी चेस्ट की। अब इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइनिंग हमने सीधा तीनों ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम देखेंगे शोल्डर, तो शोल्डर हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए 8 इंचेज, और यहाँ से लेंगे हम 6.2 इंचेज। अब इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब इसमें हम गोलाई देंगे। फ्रेंड्स, हमें जो स्लीवलेस कुर्ती होता है उसका शोल्डर हमें कुछ ज़्यादा रखना होता है। अब यहाँ से हम चेस्ट देख लेते हैं, चेस्ट हमारा कितना है। तो उससे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हमारा कम्प्लीटली 34 आनी चाहिए। तो यहाँ 1 इंच जो फोल्ड में जाएगा और ऊपर 1/2 इंच जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा और नीचे स्टिचिंग में जाएगा। अब यहाँ से हम चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 का हम 1/4 भाग लेंगे और यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमारी फिटिंग वाली हो गई। और 1 या 1.5 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा, तो ये हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम कमर देखेंगे। तो कमर हमारा है 30 इंच, तो फिर हम 30 का 1/4 भाग लेंगे। तो हम टेप को ही 4 भागों में बांट लेते हैं, देखिए, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि जिनको आइडिया नहीं है उनको मैनेजमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से हम 30 इंच ले लिए और 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लिए। अब हमें देखना है हिप, हिप हमारा 34 है, तो 34 का फिर हम 1/4 भाग लेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया कुछ इस टाइप से और यहाँ से हम फिटिंग वाला ये मार्क लगा लिए और ये हम मार्जिन वाला ले लिए। अब ये सारे लाइनिंग को हम पहले मिला लेते हैं। तो इस टाइप से हम लेंगे, फिर यहां से हम लेंगे, तो ये हमारा फिटिंग वाला होगा और ये हमें मार्जिन वाला लेना है। इस टाइप से हम मार्जिन वाला ले लेंगे। और यहां से हमें लेना है, जो हमें फोल्ड करना है उसको हम मोड़ लेंगे, मार्क लगा लेंगे। तो ये मार्किंग लगा लिए। अब हमें यहाँ क्या करना है, इससे हमें इसको मिलाना होगा, जो कि हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ से मिलाना है। अब इसको हम
ऊपर से बराबर कर लेंगे, बिल्कुल बराबर से हमें करना है। कुछ इस टाइप से हमने कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें देखना है, उस पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम कटिंग करते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, यहाँ हम इस टाइप से आर्म होल की कटिंग कर लिए। अब यहाँ से हमें कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने कटिंग कर लिया, जहाँ से हमारा ज्वाइंट होगा उसको भी हम अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया। अब फ्रेंड्स हमें बैक पल्ला में कॉलर लगानी है, तो कॉलर की कटिंग हम, तो चलिए हम फ्रंट पल्ले में नेक की कटिंग करते हैं। तो इसके लिए हम अलग कर लेंगे इसको, यहाँ से हमारा ज्वाइंट है तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो ये हमने अलग कर लिया। अब इसमें हमें नेक की कटिंग करनी है गला की, तो कुछ इस टाइप से हमने रख लिया। ये देखिए बिल्कुल बराबर करना है। अब यहां से हमें 3 इंचेज लेना है और इसका नेक का साइज आपको जितना लेना है उतना आप ले सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं 6 इंचेज और 3 इंचेज फिर हम इधर से ले लेंगे। फिर इस लाइनिंग को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब इसी के अंदर हमें डिजाइनिंग बनानी है, तो वो डिजाइन हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस तरीके से हमें इसके अंदर से डिजाइन बनानी है। एकदम सिंपल सा डिजाइन बनाएंगे, ज्यादा हैवी डिजाइन हमें नहीं बनाना है। तो ये हमने नेक की कटिंग कर ली है सिंपल सा। ये देखिए बैक में हम नहीं कट करेंगे क्योंकि बैक में हमें कॉलर लगानी है। तो इस टाइप से हमने कटिंग कर लिया है। देखिए कुछ इस टाइप से स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब इसके हम गला की पट्टी कट करते हैं, जो गला पे हम पाइपिंग लगाएंगे तो उसके लिए हमें पट्टी कट करनी होगी। तो चलिए उस पट्टी की कटिंग दिखाते हैं हम कैसे इस पट्टी कट करते हैं। हमने रेड कलर की पट्टियाँ के कपड़ा इस तरीके से हमने फैब्रिक लिया हुआ है, इसी फैब्रिक से हमें इसके गला की पट्टी निकालना है। तो हम यहाँ पे कुछ इस टाइप से रख लेते हैं और इसकी पट्टी को कटिंग करते हैं। तो हमने बिल्कुल बराबर से यहाँ से रख लिया है। रखने के बाद अब यहाँ से एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे, फिर यहाँ से कट करेंगे। फिर नीचे से हम पहले देख लेंगे, ये हमें गला पे लगानी है। अब एक एक इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये हमने गला की पट्टी कट कर ली है, इस टाइप से इसमें लगेगी। तो वो हम इस स्टिचिंग टाइम दिखाएंगे कैसे ये पट्टी लगती है। अब फ्रेंड्स हमें पाइपिंग निकालना है, जो पाइपिंग हम लगाएंगे तो वो पाइपिंग हम इस फैब्रिक से निकालेंगे जो हमें बाजू पे लगाना है। तो चलिए अब मशीन पे चलते हैं, इसका पाइपिंग बताएंगे और इसके स्टिचिंग बताएंगे और इसका कॉलर लगाना भी बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबको बताएंगे। वाला जो फैब्रिक है इसी से हम कॉलर बनाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम इस तरह ज्वाइंट करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेंगे, इसमें बकरम डालेंगे फिर बनाएंगे। तो हम मशीन पे चलते हैं और पूरा हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि इसकी स्टिचिंग कैसे होगी स्लीवलेस कुर्ती की। तो फ्रेंड्स याद रखें,
ये बहुत ज़रूरी टिप्स है कि हम शोल्डर कभी भी स्लीवलेस कुर्ती की बाजू वाली कुर्ती से ज़्यादा रखेंगे। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो अब मशीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स मशीन पर आ चुके हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, नेक को लगाते हैं गले को। तो उसके लिए हमने इस तरीके से फ्रंट पल्ले को ले लिया है। फ्रंट पल्ले के ऊपर हमें इस पाइपिंग को लगाना कैसे है, हम बिना बकड़म वाला गला बना रहे हैं क्योंकि बिगनर्स के लिए ये यूज़फुल है, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, वो आसानी से इस टाइप से गला बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम इसके ऊपर डाल लेते हैं बिल्कुल बराबर से। अब चलिए इसको हम स्टिचिंग करते हैं, तो वो हम इस टाइप से लेंगे यहाँ से और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से हम दोनों साइड लगाएंगे, तो हम इधर के साइड लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई लगा लिया है, अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें मोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से पूरे में हम कट लगा लेते हैं। ये हमने कट लगा लिया है, अब हमें क्या करना है, इसको पाइपिंग टाइप से पलटना है और बारीक सी हमें पाइपिंग इसी से बनाना है। तो देखिए इस टाइप से हम इसको इस पर सिलाई लगाएंगे पाइपिंग टाइप से। तो अब इसको हम इधर मोड़ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से पाइपिंग को हमें अंदर से निकालना है। तो देखिए हमने एक तरफ की बना ली, अब इसी तरह हम दूसरे साइड बना लेंगे। तो चलिए हम इधर का उसी तरह से बनाते हैं, अब इधर की तरफ घुमाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हमें मशीन को स्लो ही चलाना है। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से पाइपिंग नेक पर लग चुका है। देखिए सिंपल में ही कितना प्यारा ये नेक लग रहा है, तो इस तरीके से आप भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको शोल्डर को ज्वाइंट करते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाला जो है, आप इसको इस तरीके से मोड़कर अंदर की तरफ हेम भी कर सकते हैं इस तरीके से, नहीं तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो अब हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए हमें बैक साइड को इसके ऊपर डाल लेना है और यहाँ से हमें इसको लेना है और सिलाई को लगाना है इसके ऊपर डालते हुए। एक सिलाई और हम घुमाकर लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमने एक साइड के शोल्डर को ज्वाइंट कर लिया है, इसी तरह हमें दूसरे साइड का करना है। हमने दोनों साइड का शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब इसमें हमें आर्म होल में पाइपिंग लगाना है, तो वो देखिए। तो हमें पाइपिंग लगाने के लिए हमें इससे कपड़े को कट करना होगा, तो वो हम इस टाइप से कट कर लेते हैं। फिर यहाँ से कट करेंगे,
इसको हम लगाएंगे कैसे वो देखिए। इस पाइपिंग को हमें लगाना है, तो उसके लिए अब हमें आर्म होल को लेना होगा। तो अब हम आर्म होल को लेंगे इस टाइप से, आर्म होल को हमने ले लिया। अब इसी में हमें पट्टी को लगा लेना है, ये जो आर्म होल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको इस टाइप से लेना है और इसके ऊपर हमें डाल लेना है और सिलाई को लगा लेना है पहले। तो वो सिलाई को लगा लेते हैं। इसी टाइप से पूरे को अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा वाले कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं कुछ इस टाइप से और इसको अब पाइपिंग को निकालेंगे इसी टाइप से पलटते हुए। अब इसके ऊपर सिलाई को लगा लेंगे। बारीक से पाइपिंग हमें निकालना है और सिलाई को लगाना है इस टाइप से। इस तरीके से अंदर की तरफ मोड़ते हुए पाइपिंग को हमने निकाल लिया है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। अब इसी तरह हम दूसरे पाइपिंग को लगाएंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पाइपिंग लगने के बाद लग रहा है। तो हम दोनों में एक तरह लगाते हैं फिर फिट करते हैं। तो अब दोनों आर्म होल में पाइपिंग लग चुका है। अब इसको हम ये देखिए अब इसको फिट कर लेते हैं। तो इसको फिटिंग करने के लिए हमें इसको पलट लेना है। तो हम यहाँ से मिलाते हुए इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसको फिट करना है। तो फिट आप अपने साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपको जितना पे करना है। तो हम मिला लिए हैं, अब इसको हम यहाँ से फिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको फिट कर लेते हैं। अब घुमाकर एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ से हम नाप लेते हैं और एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक साइड का इस तरीके से फिट कर लिया है। अब सेम इसी तरह हम दूसरे साइड का कर लेंगे। दूसरे साइड का फिट करते हैं। तो फिर हम इधर से ले लिए। फिर घुमाकर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड का फिटिंग कर लिया है, ये देखिए इधर भी और इधर भी। अब हमें लगाना है कॉलर और नीचे बनाना है चाक। तो हम पहले कॉलर बना लेते हैं। इससे पहले हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, स्लीवलेस कुर्ती हमने सीधा कर लिया है। अब इसमें हम कॉलर लगा लेते हैं। सिंपल सा हमें कॉलर लगाना है। बकरम को कट करना होगा। तो हम नाप लेंगे हमें कितना लगाना है। यहाँ से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी छोटा बड़ा आप देख लें। तो हम यहाँ से इस तरीके से नाप के और इसको कट कर लेते हैं यहाँ। तो ये हमने कट कर लिया। अब इसको हम लगाएंगे कैसे वो देखिए। तो इसको पहले हम शेप देकर कटिंग कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से ले लिया है। अब इसमें हम शेप दे देंगे और हल्का सा ऊपर से छांट लेंगे। तो ये हमने छांट लिया। अब इसको हम कपड़े पे बैठा लेंगे। तो इस टाइप से हमने कपड़ा ले लिया है। अब साइज देख लेंगे, जितना लगेगा उतना पे हम इसको अटैच करेंगे। तो चलिए अब इसको अटैच कर लेते हैं बराबर से करते हुए। तो हम यहाँ से लेंगे इस टाइप से और इसको अटैच कर लेंगे।
दूसरे वाले को हम कट कर लेंगे, यहाँ हम सेफ देंगे, फिर यहाँ भी हम हल्का सा सेफ देंगे। अब इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे, तो हमने इसको सीधा कर लिया। स्ट्रे वाले कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, अंदर की तरफ सारे को कर लिए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमने सिलाई इसके ऊपर लगा लिया है, ये देखिए कुछ इस टाइप से। अब चलिए कुर्ती में इसको अटैच करते हैं। तो अटैच करने से पहले हमें एक सेंटर करना है यहाँ, और यहाँ पे एक कट लगा लेना है। तो ये हमने कट लगा लिया, अब इसको अटैच कर लेते हैं कुर्ती के नेक पे। तो वह हम नेक पे अटैच कैसे करेंगे, चलिए वो देखिए। तो इस टाइप से हमने कुर्ती का नेक ले लिया। अब यहाँ हाफ हाफ इंच हम इसको कट करके हटा देंगे। तो ये हमने हाफ हाफ इंच कट करके हटा लिया। अब एक सेंटर पे यहाँ भी हम कट लगाएंगे, तो ये हमने कट यहाँ भी लगा लिया है। अब इसको अटैच करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इस टाइप से लेना है और यहाँ से यहाँ थोड़ा सा सिलाई लगा लेना है। देखिएगा वो हम लगा कर दिखाते हैं। तो वो सिलाई हमने लगा दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, पलट कर इसके ऊपर इस टाइप से हम सिलाई लगाएंगे, तो वो लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इसको इस टाइप से लेना है, इस टाइप से रखना है, ये देखिए। अब इसके ऊपर हमें सिलाई को लगा देना है। तो वो सिलाई लगा लेते हैं, तरीके से इसके ऊपर सिलाई को लगाते जाना है। अब एक सिलाई थोड़ा सा हमें डिस्टेंस पे लगा लेना है। तो ये देखिए कॉलर लग चुका है कुछ इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से हमने लगा लिया। अब इसको सीधा कर लेते हैं और देखते हैं किस टाइप से बना कॉलर। तो ये देखिए कितना प्यारा, आसानी से ये कॉलर लग चुका है। अब इसका दामन बनाएंगे, चाक बनाएंगे। चाक बनाने के लिए हमें नीचे साइड इस तरीके से लेना है, ये देखिए, और इसके ऊपर अब हमें सिलाई को लगाना है हाफ हाफ इंच फोल्ड करते हुए, तो वो लगाते हैं। चलिए इस टाइप से हमने ले लिया है और सिलाई को लगाते जाते हैं। पूरे को हमें हाफ हाफ इंच अंदर फोल्ड करना है और सिलाई को लगाना है बिल्कुल बराबर से। तो फ्रेंड्स हम मेन स्टेप पर आए हुए हैं, यहाँ पे हमें जो घुमाना होता है वो ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हमने ले लिया। अब इधर के साइड हम घुमाएंगे कैसे, तो यही मेन स्टेप है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस टाइप से अब हम इधर की साइड घुमाएंगे और फिर हम दूसरी साइड जाएंगे दामन के ओर। तो इस टाइप से हमने अब दूसरी साइड की ओर सिलाई को उसी तरह लगाना है इस टाइप से। अब हम नीचे के लिए फोल्ड कर लेते हैं इसी से, हाफ हाफ इंच इस तरीके से लेना है और हाफ हाफ इंच हमें फोल्ड कर लेना है और घुमा लेना है। अब इधर साइड घुमा लेंगे नीचे की ओर। अब दूसरे फिर इधर साइड की ओर घुमाएंगे और सिलाई को लगा लेंगे।
ये हमारा लास्ट वाला स्टेप है, अब हम इधर साइड मोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स सब साइड से फोल्ड हो चुका है, तो चलिए अब हम सो करके दिखाते हैं कुर्ती को। सीधा भी कर लिया है और आप सबके सामने शो कर दी, तो देखिए कितना प्यारा ये स्लीवलेस कुर्ती लग रहा है। स्टिचिंग के बाद और भी प्यारा लग रहा है। आप जैसा कि आपको पता ही होगा अभी समर चल रहा है, तो समर के लिए ये बहुत कंफर्टेबल है। ये देखिए इस टाइप से हमने बनाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा कुछ इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स ये कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी आप हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसी पे वीडियोस लेकर आऊँगी। तो इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।